देखिए दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो जादुई आंकड़ा है, क्योंकि 90 कुल विधानसभा सीटें और ऐसे में जादुई आंकड़ा जो है वो 46 का है, बहुमत वाला आंकड़ा। और यहाँ बीजेपी का जो रथ है वो फिलहाल 41 सीटों पर आकर रुक रहा है। कांग्रेस जो है वो 48 से 54 तक पहुंच सकती है, लेकिन अभी चुनाव में समय है और ऐसे में आगे पीछे होकर ये मामला किस तरफ झुकेगा, पलड़ा किसके पक्ष में, कितना भारी कितना हल्का, ग्राउंड पर इस वक्त क्या है माहौल, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं राजनांदगांव, जहां से हमारे साथ ब्रजेश मौजूद है इस वक्त। ब्रजेश, देखिए रुमाना, जैसे ही हमारे नंबर्स आए हैं सामने, पूरी जनता आंदोलित हो गई है। बीजेपी के लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमारी सरकार नहीं आएगी, और ये कांग्रेस के लोग हैं जो मान रहे हैं कि उनकी सरकार आ गई है और सरकार रिपीट कर रही है। क्या कहेंगे, सरकार वापसी, सरकार की वापसी हो रही है। हमारे ओपिनियन पोल में सरकार की वापसी दिखा रही है। निश्चित रूप से सरकार की वापसी होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है उसका रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट से भी स्पष्ट हुई है। यहाँ गरीबी रेखा के आंकड़ों से 17 जिले मुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार की मजबूत कार्यव्यवस्था कारण निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। अब की बार भूपेश जी, मगर हम बीजेपी वालों से पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे। आप हमारे यहाँ जो नंबर है 37 से 41 पर रुक गई है बीजेपी, सरकार बनती दिख रही है, वापस आती दिख रही है भूपेश जी की। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में निश्चित बनेगी, यह शुरुआती सर्वे है। और जिस तरीके से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जन घोषणा पत्र के वायदों से मुकरी है, यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है, यहाँ के मजदूरों के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है, हर वर्ग के साथ धोखा किया है, आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता कांग्रेस को सबक रमन सिंह नहीं मुख्यमंत्री नहीं पा रहे, वापसी भूपेश बघेल सरकार की वापसी, भूपेश बघेल सरकार की वापसी नहीं हो सकती, ये इनका पर्याय है। कि देखिए आप जहाँ पे खड़े, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में फिर से इस परिसर में खड़े हैं, नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश। क्या कहेंगे आप, बीजेपी फिर अटक गई, बीजेपी सरकार बनाते। देखिए पिछले चुनाव के पहले आप लोगों ने हमको जिताया था पिछले चुनाव के पहले, और बाद में पलट गया था। आपके जो आंकड़े हैं इनके लिए जरूर खुशी का है, लेकिन इसके विपरीत परिणाम आएगा। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी के लोगों ने हौसला नहीं छोड़ा है, क्या कहेंगे, फिर वापसी कर रही है। 75 पार, अब की बार 75 पार, भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। तो ब्रजेश में लौटूंगी आपके पास। देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब तक चुनाव ना हो जाए, जब तक नतीजे सामने ना आ जाए, तब तक हर कोई अपने अपने हिसाब से जो भी आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, चाहे वो ओपिनियन पोल का हो, एग्जिट पोल का, उसको इंटरप्रेट करता है। कोई भी खुद को चुका हुआ दिखाना नहीं चाहता। एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। ब्रजेश भी हमारे साथ मौजूद है, रायपुर से ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 7 बजने वाले हैं। साथ ही एक बार फिर से आपको दिखाने जा रहे हैं अब हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ओपिनियन पोल का वो फाइनल नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो ये ऐलान कर रहा है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भूपेश सरकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।